को पावन अपनी हाथ उठे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ अहोभागी चाली कल्याणकामी मेरे देवियों बरभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों आओ हम मिलजुल के मन को एकाग्र करें और जोड़ दी अपना ये एकाग्र मन भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी। क्या क्या प्रसंग प्रभु जी हमारे कल्याण के लिए चला रहे हैं। बड़ी कृपा है प्रभु जी की, इसने भगवान की बड़ी कृपा। प्रसंग जारी है, हर अध्याय का संकेत, हर अध्याय का संकेत। मैं कह रहा था आने वाली पावन जयंती गीता जयंती का हम मानो ये स्वागत कर रहे हैं, अपनी ओर से हम वेलकम कह रहे हैं, शुभ आगमन कहते हुए अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। आइए अब कल हमने तीसरे अध्याय दूसरे अध्याय को लिया, आज तीसरे अध्याय की ओर जा रही है। तीसरा अध्याय जैसे आप सब जानती हैं, एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों मेरे सज्जनों, कर्म योग। कर्म करने का ढंग बताता है। तो जहान में जो लोग कर्म कर रहे हैं नहीं, उन्हें ढंग नहीं आता, उन्हें कर्म डंक मार रहा है। कर्म करने का ढंग ये होता है कि जीवात्मा भगवान में मिल जाए। कर्म योग इस तरीके से कर्म किया जाए कि मालिक में मिलाप हो जाए, फिर हम गर्भ में ना गिरे, हम बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना आए। ओ सजनों, ओ मेरी देवियों, ये कहती है आपकी भारतीय संस्कृति, ये कहती है आपकी भारतीय सभ्यता है। इसलिए तो भगवान ने दूसरे अध्याय में बीज डाला है, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। योगा कर्म सु कौशलम, कर्म करने की भी कला है। मैं ये कहूंगा दुनिया की नाना प्रकार की कलाओं में ये श्रोमणि कला है। अच्छा, बड़ी चोटी की कला है ये, जिसने ये कला सीख ली उसने अपना लोक परलोक बना लिया। मुबारक क्यों ना दूं आप सबको, गीता हमें ये कला सिखा रही है, बाखुशी जीने की कला। क्योंकि मेरी और आपकी ये मनुष्य योनि कर्म प्रधान योनि है, तो कर्म क्यों ना इस तरीके से किया जाए लोक भी बन जाए परलोक भी बन जाए। ये एक बड़ी भारी कला है जो हमें सिवाय भगवान जी के कोई नहीं सिखाता बताता। सिखाना तो बड़े दूर की बात रही है, बताता ही कोई नहीं कि हमें ये बता दे कोई, कोई इस पर प्रकाश डाल दे, नहीं। अब हमारे भाग जाग गए और हम लोग इसको सुन भी रहे गए और अपनाने के भी अपनी ओर से भरसक चेष्टा कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो भगवान क्या बता रहे हैं, कर्म कैसा, कर्म योग इस तरीके से कर्म किया जाए कि महाराज जी में हम मिल जाए, फिर जन्म मरण के चक्कर में ना आए। हाय, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। एक तीर से दो शिकार खेले गए, हाँ इसी को कहते हैं एक तीर से दो शिकार खेलना। इधर हमारे लोक के कर्तव्य पूरे हो गए और उधर परलोक भी बनता गया। दस ओदिला तेन होर की चाहिए, चोट मारा करो अपने मन से पूछा करो, मन और क्या चाहिए। यह बड़ा उपकार भारतवासियों पर भगवान कृष्ण जी ने किया, हमारे सरताज और मन के राजा ने किया, बड़ा भारी उपकार है, बड़ा भारी उपकार। तीसरे अध्याय में इसका संकेत ले लो, इसी का संकेत बेटे, इसी का संकेत ले लो। हम कर्म किस तरीके से करें, हां सुनिए ध्यान से, क्या हमारा लोक परलोक बन जाए।
तो कर्म योग का संकेत क्या है? निष्काम कर्म योगी बनिए, बस इतना ही संकेत है, है? बस जी। शायद ये 44 श्लोकों का अध्याय है और इतना ही संकेत है, निष्काम कर्म योगी बनिए, निष्काम कर्म योगी बनिए। अच्छा, संकेत समझ लीजिए, फिर मैं प्रकाश डालू। एकाग्रता पूर्वक हम सारे चल तो इसी तरीके से रहेंगे, शायद पूर्ण प्रेम नहीं चल रहे होंगे, तभी तो भगवान जी ने ऐसे प्रसंग जारी किए हैं हमारे किसी कमी को पूरा करवाने के लिए। मैं फिर एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा। जब ये शब्द आता है हमारे कानों में निष्काम, तो फौरन इसका विपरीत अर्थ याद आ जाता है, सकाम। इसका मतलब ये हो गया कर्म दो प्रकार के कर्म होती हैं, सकाम और निष्काम। सुनिए ध्यान से, सकाम और निष्काम। सकाम जैसे शब्द बता रहा है, कामना रख के कर्म करना, 99% आज के बुद्धू नर नारी इसी में मर रहे, चाहे वो एजुकेटेड हैं लेकिन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने आप को बड़े दानवी कहती हैं, लेकिन परिणाम में जब दुख मिलता है, कलेश मिलती है, मुसीबतें मिलती हैं, बेचैनी और बेकरारी मिलती है, बार बार टेंशन कहते हुए थकते नहीं, तो अपनी मूर्खता का परिचय अपने चेहरे से दे देती है। साकाम अर्थात कामना रख के। सुनिए जरा उनकी मूर्खता, और जरा बताओ उनकी मूर्खता का परिणाम क्यों मूर्ख है। साकाम कामना रख के कर्म करना, हाँ कैसे? मैं बीए का स्टूडेंट हूं, पूरी तैयारी कर रहा हूं, दिन रात पढ़ता हूं, क्यों? मुझे क्या शिक्षा अच्छी लगती है? नहीं, मैं शिक्षा के माध्यम से नौकरी करना चाहता हूं, तो मेरा ये सकाम, मेरी ये शिक्षा सकाम हो गई। सकाम मैंने कामना रख के मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूं, मैं यूनिवर्सिटी की डिग्री लेना चाहता हूं ताकि मैं नौकरी लेने के क्वालिफाई कर लूं, मैं नौकरी लेने के योग्य हो जाऊं, तो मैं ग्रेजुएट हो चुका हूं, हाँ मुझे नौकरी की तलाश है। 5-6 महीने धक्के खाने के बाद, कईयों की मिनते समाप्त करने के बाद मैं सर्विस ले चुका हूं, फिर क्या सर्विस मुझे सर्विस के लिए प्यारी है? मुझे इस समय 4,500 रुपए मिलता है, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूं। अच्छा, तो क्या मैं इसलिए सर्विस कर रहा हूं? नहीं, मेरी कामना है मुझे अब अच्छा घर वार मिल जाए, किसी शाहूकार की पाली पलाई रेडीमेड लड़की मिल जाए, मुझे लड़की मिल चुकी है, शादी मेरी हो गई है। अच्छा, तो क्या कामना मेरी चली गई? नहीं, मुझे साल हो गया शादी हुए, लेकिन हम दोनों बेचैन रहती हैं, सांप और सर्पनी की तरह फुंकारे मारते रहती हैं, क्यों? हमारा कोई बच्चा नहीं होता, हमारा कोई बच्चा होना चाहिए ना, चलो भगवान ने सुन लिया, हाँ 1 साल 6 महीने के बाद बच्चा हो गया, हम बड़े खुशी से रह रहे हैं, अभी 2.25 साल ही गुजरे हैं, हाँ हम फिर उदास होने लग गए, क्या हमें अब दूसरा बच्चा चाहिए? जिंदगी कट जाएगी मेरी देवियों मेरे सजनों, लेकिन कामना पूरी होते हुए नई कामना खड़ी कर जाएगी, कामना पूरी होते हुए नई कामना खड़ी कर जाएगी, हाँ कामना पूरी होते हुए, कामना पूरी हुई नई कामना खड़ी कर गई, कामना पूरी हुई नई कामना खड़ी कर गई। कुछ दिन पहले मार्केट में एक बड़ी भारी बीमारी चल पड़ी थी, आपके पास दुकान किराए पर है, आप 10,000 या 2 लाख की पगड़ी दे के मकान दुकान दिए जा रहे, लेकिन मालिक को नहीं, जिसने पगड़ी या रुपया दिया उसको दुकान दे देंगे, तो इन्होंने मुकदमा किया कि ये तो फिर मालिक मकान के बाद दुकान आएगी नहीं, वो भी आगे पगड़ी दे किसी और तीसरे को दे देगा, तो मालिक मकान ठन गोपाल, बोलो ठन गोपाल। अब सुना है गवर्नमेंट ने नियम बना दिया कि ऐसा नहीं कर सकता, इसी तरह एक कामना पूरी होती है नई कामना के सुपुर्द कर जाती है। वो कितने बुद्धू हुए, हम वो कहते मेरी कामना, क्या बीए वाला कहते मेरी कामना पूरी हो गई, कैसे? फिर आगे नई कामना, कामना पूरी हो जाने का मतलब ये नई कामना न उठे। सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी माता बेटियों,
सुनो जरा, जो ये बातें हमें बालिकपना में पता होनी चाहिए थी, जो अब मरने के दिन आगे हैं, हमारी आयु का सूरज अब अस्त होने वाला है, जीवन का सूरज अब छिपने वाला है, अब पता लग रहा है। चलो कोई नहीं, अपने हिंदू धर्म के अनुसार अंतमति सोगति, अब भी अगर ये बात हमारे मन और जिगर में गहरी उतर जाए तो भी लक हमने प्राप्त कर लिया। इसी बात को हम भली प्रकार समझ ले, अभी समझ ले, कामना कभी पूरी नहीं होती। बाहरी रूप में तो कामना पूरी हो जाती है, पर कामना तृप्ति दे के नहीं जाती, इसलिए नई नई कामना खड़ी हो जाती। देख लीजिएगा, इंसान क्या कामना पूरी करके मर रहा है? नहीं, कामना छोड़ के मर रहा है। काफी कामना उसने पूरी की है, लेकिन उनमें से फिर नई कामना निकल आई, फिर नई कामना, इसे बोलती है सकाम। ऐसे जीव जो मेरे भगवान ने कहा मरेंगे तो फिर जन्म ऐले किरदार में आके ली, ऐसों का ऐसे घराने में जन्म होगा जहां बड़े धंधे, बड़े कामनाएं, उसकी बड़ी भैरें होंगी, धन की कमी होगी, बीमारियों वाला घर होगा, कमी वाला घर होगा, लोड़ दी थोड़ पड़ जाएगी, हाय जलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा, बेचैन होगा, हारे हुए ज्वारी की तरह हमेशा क्या तिलमिलाता रहेगा। ध्यान देना जरा, इसलिए सकामी बड़े बुद्धू है। मुझे ये मिल जाए ले ले, फिर मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ले 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 ले, अपना सारा जन्म बर्बाद करके जाएंगे, फिर मरती बार फिर अधूरी कामना लेके जाएंगे। जन्मे थे तब ये अधूरी कामना लेके आए थे, जिंदगी भर कामना पूरी करते रहे, नई कामना फिर लेके चले गए। ऐसे इंसान को कहते हैं मूर्ख इंसान, बिल्कुल मूर्ख। आए हाय, कितनी मूर्खता है मेरे बच्चे। आहा, इसको मेरे भगवान ने जरा कुछ नाराजगी से कहा है, रहे फल के तालिब जलीलो हकीर। जो कर्म करती हैं, जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन कामना रख के वो जलील होंगे, बर्बाद होंगे। जैसे हमने अपने घर को देखा, अड़ोस पड़ोस को देखा, रिश्तेदारी को देखा, दुखी होके आए, दुख दूर करते रहे, दुख लो के इस जहां पानी से कूच कर गए। माना क्या मेरे बच्चे, कुछ नहीं बना। दूसरा है आप जैसे नेक जीव इस जहान में, जिनकी गिनती कोई नहीं, बहुत थोड़े जीव है, निष्काम कर्म योगी। निष्काम का मतलब भगवान के प्यारे, सुनिए जरा ध्यान से, महाराज जी के चरणों की दासियां, अच्छा, अपना कर्तव्य कर्म कर रही है। जो अपना कर्तव्य कर्म शरीर के प्रति है, परिवार के प्रति है और समाज के प्रति है, अपने कर्तव्य कर्म को निभा रही है। कर्म हमने किया, हाँ ले मेरे प्रभु, क्या आपकी जबान पे ये शब्द बैठ गए हैं? अरे देख तो सही, क्या आपकी जबान पे ये शब्द बैठ गए? यथामति यथाशक्ति। मेरे प्रभु, जितनी आपने मुझे बुद्धि दी और जितनी मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान की, मैंने ये कर्म कर दिया, आप जानो, आपका काम जानो। आई आई आई, इस चार में ऐसे जीव बहुत थोड़े होंगे। आप ऐसे नेक जीव, मैं आपके पंपिंग नहीं कर रहा, सच्चाई से काम ले रहा हूं, बहुत थोड़े होंगे जो कर्म करने के बाद भगवान के चरणों में समर्पित कर देते। यथामति यथाशक्ति मैंने पुरुषार्थ किया, मैं नहीं जानता इसका परिणाम क्या होगा, ये आप जाने। मुझे कख दो, मुझे लख दो, मुझे बराबर है, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं। एक बार तो सुनकर बड़ी हैरानगी होती है आजकल के पढ़े लिखों को, मेहनत करना और आगे मर्जी दाता पास कर फेल कर, ये आप जानो। मैंने दिलो जान से मेहनत की है, मैंने कुछ समय व्यर्थ नहीं खोया, मैं इर्द गिर्द कहीं नहीं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए गया, आई ट्राई माय बेस्ट। शाबाश, मैं कारोबार कर रहा हूं मालिक, जितना मेरा वास चलता है नेक नेक नीति से, ईमानदारी से, मैं ग्राहकों को आपका रूप समझता हुआ सेवा कर रहा हूं, बढ़िया चीजें बेचता हूं, हाँ ये आप जानो। फिर भी घाटा पड़ रहा है, मुझे नहीं पता, ये आप, मैं तो करता जाऊंगा, बेशक सारी दुकान मेरी खत्म हो जाए, मैं गली गली में टके टके बेच जाऊं, पर मैं अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, ये निष्काम सेवा, निष्काम कर्म। अपने फील्ड में, अपने कर्म क्षेत्र में डटे रहना भगवान के नाम पर।
ऐसे जीवों को क्या, कोई कामना नहीं, वास्ता नहीं, इच्छा नहीं, संस्कार कोई नहीं, अपना कर्तव्य निभाई जा रही है। शाबाश, इनका एक एक कर्म बोलता है, इनका कर्म गूंगा नहीं है, इनके कर्म में जबान है, इनके कर्म में जबान है, क्या बोलता है, सहारा किसी का न लेक पल अमल उसका है, ऐन करके अमल, उन्हें पूरा सहारा अपने भगवान का ले रखा है। सकामियों ने अपना सहारा कंतर का, कामनी का, कीर्ति का ले रखा है। अच्छा, निष्कामियों ने अपना सहारा पूरा अपना भगवान का ले रखा है। जैसे मेरे सामने मूर्तियां बैठी हैं, जैसे मेरे सामने ये मेरी देवियां बैठी हैं, पूरा सहारा भगवान का, किसी भी आप डिपेंड नहीं करते, लेकिन आप कर्तव्य कर्म से भी क्या जी नहीं चुरा रहे, आप कर्तव्य कर्म भी अपने आप को कुर्बान करते जा रहे हैं, आपको भगवान निष्काम कर्म योगी कहते हैं। कोई कामना नहीं, वास्ते केवल कर्तव्य, मैं बाप जो बन गया हूं, मैं मां जो हूं, मैं पत्नी जो हूं, मैं पिता जो हूं, मैं भगवान की वाणी का प्रचारक जो हूं, कर्तव्य निभा देना, शाबाश, अपने कर्तव्य कर्म को पूरा कर देना है। जाने मेरे प्रभु, जाने उनका काम, कितने मन ठंडा, कितना मन शांत, टिका हुआ मन, कितनी भक्ति करना, मैं जानता हूं, मेरे भगवान जानते हैं, आप जानते हैं, आपके अंतर्यामी जानते हैं। इस अवस्था में देवियों कितना मन शांत होता है, हम कितना लाभ उठा रहे हैं इस विचित्र संसार में रहते हुए, बड़े दनाग है मेरी वाणी पर विश्वास करना, जो कर्म भी कर रही है लेकिन मन जिनका अशांत नहीं है, शांत है, संतुलित है, हाय मैं शब्द लगा के संतुलित, जिनके मन का बैलेंस बिगड़ता नहीं है, कर्म भी कर रही है, अगर मैं ना बिगाड़ू तो कोई हिम्मत वाली बात नहीं, आप रस्ती हैं, आपके बच्ची हैं, श्रीमान है, श्रीमती है, और फिर आप कर्म करके संतुलन बनाए रखें, मेरे से 100 गुना आपको आफरीन है, 100 गुना आपका, आप श्रेय के भागी, क्योंकि बड़े कारण है बैलेंस खो जाने के, संतुलित संतुलन खो जाने के बड़े कारण होते हैं, पर आप बनाए रखते हैं, हिम्मत आपकी है ना, हमारे जैसे एक आत्मे रहती है, लेना नहीं देना नहीं, वास्ता नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, अपने पास अब भगवान की वाणी आपको दी और एक तरफ निकल गया, और आपको तो कईयों के साथ संपर्क करना पड़ता है, कईयों के साथ व्यवहार करना पड़ता है, कोई कड़वा बोलते हैं, कोई मीठा बोलते हैं, कोई स्वार्थ में बोलते हैं, कोई राग भरी बोली बोलते हैं, कोई द्वेष भरी बोली बोलते हैं, फिर भी आप अपना संतुलन बनाए रखती हैं, भगवान की नजरों में ऐसे बहुत प्यार लेती हैं, बड़ा ही प्यार लेती हैं, किसी को भी आजार, किसी से भी आजार लेता, बड़ी हिम्मत है मेरी देवी, बड़ी हिम्मत है, सबकी भलाई में कहां रहे, सबके आप हितैषी हैं, सबका भला चाहते हैं, यह है निष्काम कर्मयोगी, ऐसों के संस्कार नहीं पड़ते, मन टिका रहता है, मन निर्मल हो जाता है, भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाता है, अनेकों का आप फायदा पहुंचा जाते हैं, हमारे कितने खुश होते हैं, क्योंकि आप किसी से चाहते कुछ नहीं, सेवा सबकी करते हैं, आपसे बुरे कर्म हो नहीं सकते, चुक अंदर बुरी वासना कोई नहीं, बुरी कामना कोई नहीं, कामना के आधार पर तो आप कर्म नहीं कर रहे, आप तो कर्तव्य के आधार पर कर्म कर रही हैं, कामना के आधार पर कर्म करना कुछ और है, कर्तव्य के आधार पर कर्म करना कुछ और, सियाणी बनो, बहुत पढ़े लिखे हो आप सब, यू आर ऑल एजुकेटेड, कामना के आधार पर कर्म करना मैं कह रहा हूं कुछ और है, कर्तव्य समय के कर्म करना कुछ और का और, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अच्छा सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियो, सुनी और सुनी ना करना आपको भगवान की कसम, नहीं आपको अपने कल्याण की कसम, अपनाते जाओ मेरे प्रभु की वाणी, निष्काम कर्म योगी दोनों लोक बना जाता, वो देखिए भगवान तीसरे अध्याय में क्या कह रहे हैं, अमल जिस कदर भी गए, यज्ञ का मतलब निष्काम, वो दुनिया को बंधन में रखे सदा, किए जाते सब काम यज्ञ जानकर, लगावट ना रख और ना, ऐसा कह रहे हैं हमारे प्रभु जी, ऐसा कह रहे हैं हमारे सरताज और हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण, कितना अच्छा फरमा रहे हैं, उनका कहना हमारी सेना के ऊपर, फौरन अगर अपना चुके हो तो आपके बड़ी अच्छी बात, नहीं तो अभी 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 अपनाइए, ओ मेरे बच्चे अभी अपना लो, एट दिस वेरी मोमेंट, अभी
अपना तो तब भी लेना चाहिए था आपकी गलती, अब अभी चिताई कि मैंने इसको अपने मन में रख लिया, मैं अपना कर्तव्य कर्म करूंगा, आगे जाने मेरे प्रभु जाने उनका काम, मैं अपना कर्तव्य निभा दूंगा। हम आप इन शब्दों को कम से कम दिन में एक बार तो उच्चारण कर लिया करें। कितने क्रांतिकारी लाभकारी भगवान का फरमान है, क्या क्या तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजी डगमगा उसकी। आय हाय आय, जरा मैं आपके मुख से कहलाऊ, आपके मुख से कहलवाता हुआ आपके मन में बिठाऊ, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा तेरा फर्ज क्या है, अब आपने कहना रख उस पर नजर, मैं बोलूंगा नजी डगमगा, आपने कहना उसकी तकमील कर। कल आप भगवान के सामने मुकरेंगे तो नहीं कि मैंने ये चोटी की बात आपको बताई नहीं थी, ध्यान से जरा ऐसा अपने मुख से उच्चारण कीजिए कि ये बात आपके अंदर उतर जाए। इस तरीके से बोलो मेरी बेटी कि आप में उतर जाए, आधा आधा बोलूंगा आधा आधा आप बोलना, और बोल के मन में बसाई जाना तेरा फर्ज क्या है, ओए तेरा पर श्री भगवान वाच, तेरा पर्ज क्या है, ओए न जी डगमगा उसकी, न जी डगमगा, न जी डगमगा, ओए तेरा पर्ज क्या है, जाओ मेरे प्रभु तेरा पर्ज क्या है, न जी डगमगा। भगवान देंगे ताकत आपको, मेरे दयालु कृपालु प्रभु जरूर शक्ति देंगे, तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, न जी डगमगा उसकी, उसको पूरा कर, उसको हम एग्जीक्यूट करें, अपने मन में बसा दें। समय समय अनुसार फर्ज बदलते रहते हैं, क्योंकि फर्ज भी तो शारीरिक होते हैं, व्यक्तिगत फर्ज, पारिवारिक फर्ज, सामाजिक फर्ज, फर्ज भी तो कोई एक प्रकार नहीं होता, फिर समय अनुसार फर्ज और बनते हैं। कुआरी अवस्था में फर्ज कुछ और थे ना, ब्याही अवस्था में कब फर्ज ने कई शक्ल ले ली, फर्ज कर्ज गर्ज। एक मेरे भाई उठ के मुझे कह रहे थे, बड़ी मेहरबानी और मिला लो, मैं तो तीन ही कह रहा चाहता था, गुरुदेव ने तीन कहे हैं, आप और बढ़ती हैं। एक मेरे भाई कह रहे थे, नहीं बाबा एक छूट गया, फर्ज कर्ज गर्ज और मर्ज। मर्ज कह लो, जीराना बारे की बीमारियां, कुछ भूखा खाया कुछ दुखा खाया, ठीक है फिर एक और कोई कसर पूरी कहूर कर लो, फर्ज कर्ज गर्ज और मर्ज, बहुत अच्छे, बड़ी मेहरबानी आपकी, ये सारे खाई जा रहे हैं हमें, फर्ज कर्ज गर्ज और मर्ज। मर्ज से बनता है मरीज, हाय ये समय समय अनुसार बदलते रहती हैं। बालकपन में फर्ज कुछ और थे, युवा में और हो गए, अब आप कुछ और है, थोड़ी दिन बाद कुछ और हो जाएंगे, शाबाश, ये बदलेंगे, हम अपना कर्तव्य कर्म पूरा करेंगे। कर्तव्य कर्म हमेशा एक नहीं रहता, हां जी जी, प्रधान कर्तव्य कर्म एक ही है, भक्ति करना, प्रधान कर्तव्य कर्म एक ही हम सबका, तो कर सच्चे दिल से, ये गौण है, दीज आर ऑल सेकेंडरी क्या ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, सेकेंडरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी हमारी क्या है, आर टू डिवोट। अच्छा, भगवान की भक्ति करना ये तो हमारा प्रधान कर्तव्य है, बाकी ये हमारे गौण कर्तव्य, कभी भाषा में कहेंगे गौण, ये हमारी गौण कर्तव्य है, प्रधान कर्तव्य तो हमारी भक्ति करना है ही, शाबाश। ऐसे जीव लोक परलोक बना गए, जो केवल कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, कर्म भी कर रही है, कामना भी कोई नहीं, एक बार तो दूसरा आदमी नहीं मान सकता, क्योंकि हमेशा कर्म कोई कामना रख के होता है। ये रावे प्यारे ऐसे होते हैं, रावे महाराजा जनक जैसे, कि अपने कर्तव्य कर्म पर नजर रखती है, कोई फल की चाहना नहीं, मेरा कर्तव्य है ना, मैंने पूरा कर देना बस। ऐसे जीव बड़ी जल्दी भगवान की नजरों में मंजूर नजर बन जाती है, नजरों में मंजूर नजर, नजरों में मंजूर नजर, शाबाश। ऐसे जीव बड़ी जल्दी अंतर का निर्मल कर लेती है, जीव को कामने बर्बाद करती है, उनसे भक्ति नहीं होती,
क्यों कामना ने पूरा होना नहीं, तृप्ति मिलनी नहीं, तो मन में बेचारी रहेगी, बेकरारी रहेगी। बच्चे मन में बेचैनी बेकरारी रहेगी। सारी कहती है हाँ, जिस दूध को आपने, गर्म दूध को आपने जामन डाल दिया और ऊपर छिक्के पे रख दिया, 3 किलो दूध था, छिक्के पे रख दिया कि हवा लगती रहेगी, ये बिल्कुल पत्थर की तरह जम जाएगा। लेकिन सवेरे ना दूध ना दही, क्या हो गया? घेर मेर, इसे बोलते हैं घेर मेर। अंबाला वालों के और शब्द तो मैं नहीं जानता, ये घेर मेर हो गया, ना दूध ना दही। क्यों? रात बिल्ली छलांगे मार मार के छिक्के को हिलाती रही है, कामयाब तो हो नहीं, पर छिक्का हिलता रहा है। तो हिलता हुआ दूध कभी जमता नहीं, टिका हुआ दूध तो जम जाता है, पर हिलता हुआ दूध नहीं जमता। उसको हिलाए रखा, हिलाए रखा, वो जमे ही नहीं। इस तरह वास्तविक कामना जिसके मन को हिलाए रखते, याद रखना, कभी भक्ति के काबल नहीं, कभी भगवान के काबल नहीं, कभी कल्याण के काबल नहीं हो सकता। जिसका मन बेचैन रहता है, बेकरार रहता है, जो है असमंजस में रहता है, विक्षिप्तता में रहता है, भक्ति काबल कौन? कभी न भूलना, कभी न भूलना, बता रहा हूं भगवान जी जो गीता जी में कहा, भक्ति काबल कौन? न हो जिसको फिक्र चिनाव, जिसके मन में कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र दामनगीर नहीं है, वो नेक जीवो, वो नेक देवियों, कोई फिक्र दामनगीर नहीं। ऑलवेज माइंड स्टैंड स्टिल, नो वेवरिंग, नो टॉसिंग, नो वांट, नो डिजायर, ऑलवेज स्टैंड स्टिल। सुनो अपने भगवान की वाणी को, समझ लीजिएगा, ऐसे जी बाजी ले गए। एक बार गीता को समझ लीजिए, गीता आपकी परम हितैषिणी शास्त्र है, बहुत चोटी का हितैषी शास्त्र है आपका। पता नहीं क्यों भारतवासी भूलते जा रहे हैं, भारतवासियों की बदकिस्मती, इसके बिना तो हमारी मिट्टी पलीत है, इसके बिना तो हमारी दाल गलनी नहीं, बिल्कुल नहीं गलेगी, बिल्कुल नहीं गलेगी। आहा आहा आहा, अगर ये आ जाए तब दाल गल जाती है। आहा शाबाश शाबाश शाबाश, जरूर दाल गल जाएगी अगर महाराज जी की वाणी को अपनाया जाए। भले हमारी उम्र कितनी क्यों ना हो जाए, कैसी क्यों ना हो जाए, तो हमारी दाल गल जाएगी अगर हम वाणी को अपनाने लग जाए। उम्र का कोई सवाल नहीं, जाति कोई, चाहे ब्राह्मण कितनी वैश्विक क्यों ना हो, कैसा भी देशी विदेशी क्यों ना हो, अपनाने का शौक को मैंने अपना लेना। तीसरे अध्याय के संकेत, निष्काम कर्म योगी बनिए, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, मेरा कर्तव्य है, मैंने पूरा करना है, मेरा कर्तव्य है, मैंने कर्म करो, मेरे भगवान मुझे आज्ञा दे रहे हैं, मेरे प्रभु मुझे आज्ञा दे रहे हैं। क्या 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 भगवान ने क्या आज्ञा दी है? क्या क्या आज्ञा दी? अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदन का, तेरा शरीर भी जिंदा नहीं रहेगा अगर तू कहे मैं कुछ करना ही नहीं चाहता ना। क्या हम भगवान का कहना माने? क्यों नहीं मानेंगे? जान भी कुर्बान करेंगे, हम भगवान के फरमान को जरूर मानेंगे। भगवान का फरमान सुप्रीम कोर्ट की तरह, भगवान समझाते समझाते आखिर में सुप्रीम कोर्ट की तरह ये आखिरी फैसला देते हैं। बच्चे 3 कोर्ट मानी जाती है हमारे देश में, सिविल कोर्ट जो ये कचहरियों में ये होती है अपने डिस्ट्रिक्ट में, और कोई सिविल कोर्ट से हार जाए तो मुकदमा कर देता हाई कोर्ट में जो आपके चंडीगढ़ में है, अगर हाई कोर्ट में हार जाए तो फिर एक कोर्ट और है जो दिल्ली में है, हमारी सुप्रीम कोर्ट। ये 3 कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है, बस उसके बाद फिर आपको सबर करके रह जाना पड़ता है, बस आपके हक में हो जाए ठीक है, ना हो तो भी ठीक, इसके बाद कोई चारा नहीं। अच्छा, इस तरह भगवान का फरमान सुप्रीम कोर्ट की तरह है। हाँ, कभी हम घर में बातें मनाते रहे हमारी सिविल कोर्ट हो गई, कभी हम देवी देवताओं से बातें मनाते रहे हमारी हाई कोर्ट हो गई, और कभी हम भगवान से प्रार्थना करते रहे हमारी सुप्रीम कोर्ट हो गई। और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला होता वो आखिरी है। क्या 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 क्या? तर्क के अमल से गए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अमल छोड़ देने की बजाय और कर्म करना, लेकिन भगवान जी के अनुसार कर्म करना, बहुत फायदा अपने को भी अनेकों। भगवान यूं कहकर कर्म योग को पूरा कर देते, कर्म छोड़ने के बजाय कर्म योगी बन के कर्म करना बहुत अच्छा, इससे अपरामी लोग पर लोग बन जाएगा और अनेकों को लाभ पहुंच जाएगा। अनेक भगवान खुश यही होते हैं। भगवान कब खुश होते हैं सुन लो, अगर नहीं पहले पता तो, भगवान किस पे खुश होते हैं मेरी ओर देखो, आप सब मेरी ओर देखो, भगवान किस पे खुश होते हैं, किस पर बताऊं आपको? क्या सबकी भलाई में,
रखा है। सर्वभूत इति रता, जो ऐसे ढंग से जी रहा है, ऐसे ढंग से कर्म कर रही है, अनेकों को लाभ होता है। पूरा विश्वास कर लो मेरी वाणी पर, भगवान बड़े खुश होते हैं, उसमें भगवान बड़े खुश होते हैं। आह कितना आदर दिया भगवान ने, जिससे अनेकों को लाभ हो। मुरब्बत की आंखों का तारा है वो, मुझे सारी दुनिया से इससे बढ़ के भगवान जी क्या आदर दे, इससे बढ़ के भगवान जी क्या प्यार दे, इससे बढ़ के भगवान जी क्या मीठा मीठा आलिंगन दे। अपने भगत को कितना मीठा आलिंगन दिया है, सूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे। हाय कहां चला गया प्यार सुपरलेटिव डिग्री पर। आहा किसी का यू आर डियर टू मी, किसी का यू आर जो है डियर टू मी, किसी का यू आर डियरेस्ट टू मी। हाय डियरेस्ट, डियर डियरर डियरेस्ट, किसी को कहा तुम मेरे प्रिय हो, किसी को कहता मेरे प्रिय तर हो, और किसी को कहा तुम मेरे प्रिय तम। अपने जिसके बड़ा प्यार करते हो तो पति को कहती हो प्रीतम, प्रीतम कोई शब्द नहीं होता, प्रियतम, क्योंकि सबसे प्यार वाले को हम प्रियतर आधा गए, और सबसे ज्यादा प्यार के प्रियतम। अच्छा प्रीतम काफी शब्द बिगाड़ लिया, पंजाबी बना ली, पंजाबी में काफी शब्द संस्कृत हिंदी के बिगाड़ दिए गए हैं, उसको सरल बना दिया गया, लेकिन ग्रामर ऐसा नहीं आज्ञा देती। ग्रामर कहती जैसे शब्द बने वैसे बोलो, तोड़ो मत। तो प्रीतम आपने पंजाबी में कहकर के शब्द के टांग तोड़ दी, शब्द है प्रियतम। मेरे भगवान को वो बड़े प्रियतम है, कौन जो पूर्व रूपये महाराज जी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते जा रहे। आओ ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे यंगस्टर्स, मेरी माताओं और मेरी कल्याण कामनी देवियों, निष्काम कर्म योगी बने बेटी, निष्काम कर्म करें, काम ना कोई ना हो, दुकानदारी ना हो। दुकान पर गए भैया दाल और खांड दीजिए, कितने के 10 रुपए, निकाल 10 रुपए। दुकानदार कही तो ये कि 10 रुपए निकाल, 10 रुपए दिए, ये 10 रुपए, 5 रुपए की दाल 5 रुपए की चीनी, लो ये क्या हो गया बार्गेनिंग, ये क्या हो गया दुकानदारी है, दुकानदारी बार्गेनिंग। हाँ क्या कुछ दिया कुछ लिया, तो दुनिया वाले तो यही कर रही है, कुछ दे रहे कुछ ले रहे, ये हो गया गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड टेकिंग, कुछ दिया कुछ लिया कुछ दिया, ये व्यापार हो गया, ये बार्गेनिंग हो गई है, ये बोलेंगे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, क्या मैंने ये दिया तन्ने मुन्ने ये दिए दिया, मैंने ये दिया तन्ने ये दिया, मैंने अपनी कमाई का 10 रुपए दिया, तन्ने अपनी दुकान के 10 रुपए के लिए मुझे चीजें दे दी। हाँ तो इसी तरह जो है सकामी सकामी बार्गेनिंग करते हैं, दुकानदारी कर चलते हैं, अपनी ओर से मेहनत की, भगवान से कहा मैंने मेहनत नहीं की, हाँ मुझे डिग्री दे दे, मैंने मेहनत नहीं की, मुझे नौकरी दे दे, मैंने मेहनत नहीं की, मुझे छोकरी दे दे, मैंने मेहनत नहीं की, मुझे बेटा दे दे, मैंने मेहनत नहीं की, एक बेटा और दे दे। वो मां मेहनत करते जाती है, उसके इवज में मांगते चले जाते, मांगते गए मांगते गए मांगते गए, लेकिन निष्काम कर्म योगी ना मेरे मालिक। अगर आप मुझे जोर दो, मुझे अगर आप मेरे पर क्या सचमुच निष्काम कर्म योगी कुछ नहीं मांगता, नहीं। इधर से बहनों ने पूछा, मैंने कहा नहीं, उधर मेरी सब बूढ़ी माताएं पूछ रही हैं क्या निष्काम कर्म योगी बाबा कुछ नहीं मांगता, नहीं। उधर बुजुर्ग पूछ रहे हैं सचमुच निष्काम कर्म योगी जुटा रहता है, हाँ मांगता कुछ नहीं, नहीं। इधर मेरे भाइयों जवानों ने पूछा क्या निष्काम कर्म योगी कुछ नहीं मांगता, मांगता है। हे बाबा तू 3 जगह तो इनकार करके आया और उन्हीं के सामने कह रहे मांगता है, जब आप बार 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 कही जा रही है अब मैं क्या करूं, मांगता है। व्यास जी ने आखिर में आके ये कहा कि निष्काम कर्म योगी जब प्रातः काल भगवान के चरणों में बैठ के हाजिर देता है और हाजिर दे के बाद जब उठता है, जब यू उठा तो घुटने टेके, घुटने जो घुटने टेक के यू अपने शीश झुकाया, तो बताऊं क्या बोलती है, इच्छा भी न किंचित अपि प्रभो, मैं तेरी दरबार से तेरे चरणों से कुछ नहीं मांगता, ध्यान देना, इच्छा भी न किंचित अपि प्रभो,
तो वो मैं कुछ भी नहीं मांग रहा, इच्छामि इति दर्शनम, मैं केवल तेरे दर्शन चाहता हूं, लो ये चाहता है। अगर उसकी कोई इच्छा है तो मेरे देवी ये चाहता है। अगर इसको आप इच्छा कहे तो पहले कह दिया इच्छामि न किंचतपि, मैं कुछ भी नहीं चाहता, ये है कि मैं चाहता हूं आपके दिव्य दर्शन, बस ये उसकी चाहना है, बाकी सब चाहना है खत्म कर दी उसने। हाय मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान, मैं कुर्बान हूं, मेरे कुर्बान हूं, कुर्बान वे रब दे प्यारो, कमाल कर गए। ये एक लाइन याद रख लेना, इच्छामि न किंचित अपि प्रभो, इच्छामि ते दर्शनम। हाय हाय हाय, आहा, इससे अध्याय की कितनी अच्छी पुकार है, कितनी अच्छी पुकार, कितना अच्छा संकेत है इसी अध्याय का, क्या निष्काम कर्म योगी बन गए, बासी मार्ग लोक भी बना गए, परलोक भी बना गए, भगवान की जात में समा जाएंगे, क्योंकि तृप्त होकर जाएंगे, मन उनका निर्मल हो गया, कोई कामना तो है नहीं, ना कामना ना वासना ना लेना ना देना ना राग ना द्वेष, ऐसे जीव क्या पहुंच जाए उस तक तो वापस ना गए, मेरी बच्ची और मालिक की जात में समा गए, मानो गंगा जी सागर में मिलके एक में खो गई, गंगा सागर में मिलकर एक में खो गई, बस यही चाहना रखो, इच्छामि न किंचित अपि प्रभो, इच्छामि ते दर्शनम। कर्म योगी की यही एक अंतिम आखिरी मांग है। हमारे हिंदू धर्म में जो के अनुसार जो जुट रहा है, जिसे जिस लास्ट फाइनल एंड सुप्रीम क्या अमिशन, यही उसकी एक अंतिम अमिशन है, डिजायर कह लो, फाइनल डिजायर, सुप्रीम डिजायर, कुछ नहीं चाहता मेरे मालिक, अगर कहीं चाहना अटकी पड़ी है किसी मन के कोने में, केवल आपके दिव्य दर्शनों की अटकी पड़ी है। आहा संकेत अपने जीवन में उतार चुके हो ना, अपने जीवन में मेरी कल्याणकामी देवी और ढाल चुकी हो ना, आएगा आएगा आएगा, और मेरे साथ शामिल, दुनिया के नजारे देख चुके एक तेरा नजारा बाकी गए, हमें अपना बना लेने में प्रभो एक तेरा इशारा काफी गए, ओ दुनिया के नजारे देख चुके एक तेरा नजारा बाकी गए, हाय दुनिया के नजारे देख चुके एक तेरा नजारा बाकी है, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से, दुनिया के नजारे देख चुके एक तेरा नजारा बाकी है, हमें अपना बना लेने में प्रभो एक तेरा इशारा काफी गए, हाय हाय, एक तेरा इशारा काफी गए, एक तेरा इशारा काफी गए, एक तेरा एक तेरा इशारा काफी गए, एक तेरा इशारा काफी गए,
दुनिया के नजारे देख चुके, एक तेरा नजारा बाकी रहे। हाय हमें अपना बना लेने में प्रभो, ओ, 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 ओ हमें अपना बना लेने में प्रभो, एक तेरा इशारा काफी गए। दुनिया के नजारे देख चुके, एक तेरा नजारा बाकी गए। बहुत अच्छे, मांगो मांगो मांगो। दुनिया के नजारे देख चुके, एक तेरा नजारा बाकी गए। बहुत अच्छे, हमें अपना बना लेने में प्रभो, एक तेरा इशारा काफी गए। हमें अपना बना लेने में प्रभो, एक तेरा इशारा काफी गए। हमें अपना बना लेने में प्रभो, एक तेरा इशारा काफी गए। बहुत अच्छे, दुनिया के नजारे देख चुके, एक तेरा नजारा बाकी है। एक तेरा नजारा बाकी गए, एक तेरा नजारा बाकी गए। एक तेरा नजारा बाकी गए, एक तेरा नजारा बाकी गए। दुनिया के नजारे देख चुके, एक तेरा नजारा बाकी रहे। जय हो मालिक, जय हो। हमें अपना बना लेने में प्रभो, एक तेरा इशारा काफी रहे। हमें अपना बना लेने में प्रभो, एक तेरा इशारा काफी है। दुनिया के नजारे देख चुके, एक तेरा नजारा बाकी है। दुनिया के नजारे देख चुके, एक तेरा नजारा बाकी रहे। बहुत अच्छे, हमें अपना बना लेने में प्रभो, एक तेरा इशारा काफी गए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश, जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत जय।
पश्यंतु माता चीज भाग बने। हरिओम शांति 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 ओम प्रभो। इस तरह भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफर करना इस देव हार्दिक धन्यवाद।